नमस्कार राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मैं सिखाऊंगी आप लोगों को मसाला डोसा बनाना। तो देखिए, मैंने मसाला डोसा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ली हुई है। ये मैंने तड़के के लिए राई ले ली है, और ये मैंने करी पत्ता लिया हुआ है, ये नमक है, ये तड़के के लिए तेल है, मैंने मस्टर्ड तेल का यूज़ किया हुआ है, और ये मिर्च है, ये हल्दी है, ये धनिया पाउडर है, और ये मैंने कुछ प्याज काट लिया है। ये चटनी के लिए मैंने मूंगफली की ली हुई है, मैं मूंगफली की चटनी बनाऊंगी। नारियल की भी चटनी बनती है, लेकिन मैं इसको मूंगफली की चटनी बनाऊंगी आज। और ये मैंने कुछ आलू बॉयल कर लिए हैं। तो और ये मैंने डोसे के लिए बैटर बनाया हुआ है, ये मेरा बैटर है। मैंने इसमें 2 भाग चावल और 1 भाग उड़द की दाल को 4-5 घंटे भिगो दिया है। उसके बाद मैंने 5 घंटे के बाद मैंने इसे पीसा है। पीसने के बाद मैंने इसे 6 घंटे पीस के ऐसे ही रख दिया है कि ये अच्छे से फूल जाए। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना, बने रहिए मेरे साथ। अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टफी के डोसे की स्टफी के लिए आलू छील लेती हूँ। ये मैंने बॉयल किए हुए थे, इनको मैं अच्छी तरह से छील लेती हूँ। इस तरह से मैं इनको छीलूँगी, आलूओं को अच्छी तरह से छील के, और इस तरह से हाथ से ही मैंने इनको फोड़ लिया करती है। और मैं गैस को मैंने ऑन कर दिया है, और अब मैं इसमें तड़के के लिए सरसों का तेल डालूंगी। सरसों के तेल में ज्यादा टेस्टी बनता है ये। तो मैंने ये आलूओं के लिए सरसों का तेल डाला हुआ है। अब हम इसको गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छी से गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसमें राई डालूंगी, करी पत्ता डालूंगी और प्याज डालूंगी। अब हमारा तेल गरम हो चुका है, तो मैं इसमें अब राई डाल दी। ये मैंने राई डाल दी है, ये अच्छी से तड़क जाएगी। तो मैं इसमें करी पत्ता, ये करी पत्ते हैं, मैंने धो के इनको रखा हुआ है। अब मैं इसमें करी पत्ता डालूँ। हमने प्याज डाल दिया है, अब मैं इसको लाल लाल भूनूंगी। इसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे प्याज को, इसको मैं लाल लाल भूनूंगी। अब हमारा ये प्याज भून चुका है, हम इसको ज्यादा लाल नहीं बनाएंगे, ये सही हो रहा है। अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। अब मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। इस तरह से मैंने आलूओं का मसल लिया था, ये मैंने आलू डाल दिए हैं। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, थोड़ा ये थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची है ये भी डाल दिया है, और थोड़ा मैंने धनिया पाउडर भी डाला है, बहुत कम डालूंगी मैं, और हल्का सा मैं इसमें सांभर मसाला भी, बहुत कम, थोड़ा सा मैं इसमें सांभर मसाला भी डाल देती हूँ। ये मैंने इसमें सांभर मसाला डाला हुआ है इस तरह से। अब इस तरह से मैं इसको चला लूंगी, ऐसे ही मेरी स्टफी बन के तैयार हो जाएगी। अब हमारा स्टफी बन के तैयार हो चुका है। अब मैं बनाती हूँ डोसे। मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है और मैंने इसको नॉर्मल गरम कर लिया है। तो अब मैं डोसा इसमें डालती हूँ। इस तरह से मैं इसको फैला लूंगी। देखो कितने प्यार से, कितने अच्छी तरह से ये फैल रहा है। ये बहुत प्यारा बन रहा है, बहुत पतला पतला बनेगा ये, बहुत टेस्टी बनेगा, बाजार की तरह बनेगा ये। इस तरह से मैंने इसको फैला लिया है। इसके लिए हमें हमेशा नॉर्मल तवा रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है तवे को। अब मैंने इसको फैला लिया है, टिक गया है, कलर देने लग गया है, नीचे से इसमें कलर आ गया है। तो अब हम इसमें स्टफी रखते हैं। मैं इसमें स्टफी रखूंगी, स्टफी को हम बीच में रखेंगे, पूरे डोसे में हम स्टफी को नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारा डोसा जो है वो थोड़ा गीला हो जाएगा और क्रिस्पी नहीं लगेगा। तो मेरा डोसा बनके देखिए
बिल्कुल तैयार है। ये देखिए आप कितना प्यारा बना है, कितना अच्छा बना है। ये मेरा डोसा बनके तैयार है, ये देखिए इस तरह से। अब हमारा डोसा बनके तैयार है। ये मैंने मूंगफली की चटनी बनाई है, ये बहुत टेस्टी होती है और हमारा डोसा बहुत क्रिस्पी बना हुआ है, बहुत टेस्टी भी होगा खाने में। अभी खाते हैं इसे। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बने रहिए इसी तरह मेरे साथ। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ आपसे। धन्यवाद।